तो गाइस आज की वीडियो में आपको एक कॉइन बताऊंगा जो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। पर मैं इस कॉइन को पहले भी बता चुका हूं और ये काफ़ी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा, काफ़ी 977 पे लौट के आया। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल में शायद देख लिया होगा, तो यहाँ पे हम बात करूँ कि जब पिछला अल्ट सीजन चल रहा था तो बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे कॉइन शेयर कर रहे थे, तो वहाँ पे बता दूँ कि हर कॉइन बुलिश मोड, मतलब हर जो अल्ट कॉइन था वो बढ़ रहा था। पर अभी के टाइम में जब बिटकॉइन ने 17,000 से 18,000 या 19,000 क्रॉस किया है, तब के टाइम में जो भी कॉल दे रहे थे उसमें से सारी कॉल्स फेल्ड हुई हैं। तो वहाँ पर जब लोग कॉल दे रहे थे तो काफ़ी अपने को बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर बता दूँ, अल्ट सीजन में सारे अल्ट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये आप लोग जान गए होंगे जिन्होंने अभी अल्ट सीजन में ट्रेड किया अच्छा खासा मनी, और बहुत सारे लोगों ने अपना जो मनी है उसमें से 50% लूज भी कर दिया। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैंने 3 कॉल शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल में, अगर जो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग शेयर की थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कॉल कौन सी थी। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप मेरे चैनल पे जाएंगे टेक बिगनर, तो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, एक मैंने कॉल शेयर की थी USDD की लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे जो हमारी बाइंग थी वो गाइज 5.6 के अंदर थी, और जो मैं यहाँ पे, और अब जो प्राइस इसका चल रहा है वो 7.3 यहाँ पे हिट कर चुका है, और ये 8 टारगेट के बिल्कुल पास है, यानी कुछ कम 40-50% प्रॉफिट है, और यहाँ पे हम पूरा 2x, इसको हम प्रॉफिट 2x से भी ज़्यादा ये प्रॉफिट देने वाली है। ठीक है, और हम दूसरी कॉल की बात करें तो यहाँ पे दूसरी कॉल थी वो थी गाइस, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च रिजल्ट में, जो दूसरी कॉल थी हमारी LDC की थी, LDC BTC की थी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने LDC की कॉल शेयर की थी, तो यहाँ पे जो LDC की कॉल थी गाइस वो मैंने शेयर की थी यहाँ पे 46 के अराउंड थी, तो यहाँ पे जो हमारी बाइंग थी तो वहाँ पे टारगेट कुछ इसके उसके ऊपर थी, 46 से ऊपर 44 के आसपास थी। तो अब इसके हम प्राइस की बात करते हैं, इसका प्राइस क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे लाइव LTC BTC। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका प्राइस, मैं यहाँ पे कोई फेक नहीं बता रहा हूँ आपको, सब कुछ लाइव दिखा रहा हूँ, आप रिकॉर्ड प्रूफ चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 46। आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे कुछ कम ही प्रॉफिट है, पर यहाँ पे बता दूँ अगर जो आप इसे LTC USDD के पेयर में देखेंगे, ठीक है, LTC USDD के पेयर में, क्योंकि यहाँ पे BTC भी काफ़ी बढ़ा हुआ है तो इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा नहीं हुआ है। पर यहाँ पे अगर जो इसके पेयर में देखेंगे तो हमारी जो बाइंग थी वो गाइस यहाँ पे 70 के आसपास थी, और इसका जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कितना हुआ है। यहाँ पे मेरी 70 के आसपास इसकी बाइंग थी, यहाँ पे इसका प्रॉफिट बता दूँ, यहाँ पे 27% प्रॉफिट दे दिया है। अगर जो यहाँ पे मैंने लॉन्ग करने के लिए बोला था, अगर जो आप लॉन्ग किया होगा तो 90% ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका है, और जो है हमारा ये टारगेट है वो टारगेट वो गाइस डिपेंड करता है LTC BTC के पेयर में। तो यहाँ पे LTC BTC का जो हमारा टारगेट है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, LTC BTC का टारगेट है वो हमारा 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि अभी काफ़ी बढ़ चुका है, अगर जो हम इसके BTC के पेयर में देखेंगे तो ये अभी काफ़ी नीचे है, यानी बाइंग जोन, अगर जो आप बाई करना चाहते हैं इसे बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे इसका प्राइस दिखा देता हूँ, 46 है यहाँ पे LTC BTC 46.45 के पास है, और इसका जो प्राइस जाने वाला है गाइस वो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 80 के आसपास जाएगा, जो कि मैंने चार्ट वार्ट आपको सब कुछ टेलीग्राम पे भेजा था जो भी टेक्निकल एनालिसिस थी।
और हम अगले कॉइन की बात करते हैं जो हम आपको शेयर करने चाहते हैं, उसको भी आप बाई कर सकते हैं। और गाइस एक कॉल और रह गई जो मैंने यहाँ पे दी थी, वो इथेरियम की दी थी, इथेरियम यूएसडीडी की दी थी। तो उसमें अगर जो मैं बात करूँ तो जो हमारी बाइंग थी वो यहाँ पे गाइस थी 400, यहाँ पे थी 472, 472 या 65 के पास थी। और यहाँ पे अब बाई बात, और जो हमारा टारगेट था वो गाइस था 550 के पास था, 550 के पास था। और 3x लेवरेज के साथ मैंने शेयर की थी, तो आप उसका गेस कैलकुलेशन निकाल लेना कितना प्रॉफिट दिया है। तो ये भी कॉल मेरी हिट हुई थी, और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पे भी अपनी कॉल शेयर की थी, कम्युनिटी पेस्ट में उसका जो पुराना पोस्ट है वो भी आप देख लेना। तो जो अगली कॉल है मैंने शेयर कर चुका हूँ वो एडा बीटीसी की। ठीक है, एडा बीटीसी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एडा बीटीसी अगर जो एल्ट सीजन चलता है तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है इसका प्राइस। तो इसका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मैंने बता ही दिया था। तो अगर जो यहाँ पे गाइस इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे 1900 तक ये टच करेगा। अगर जो उसको टच करता है तो यहाँ पे और एक आपको डबल बॉटम बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर जो आप लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते होंगे तो आप लोग देख लिए होंगे। तो यहाँ पे 1900 है अभी के टाइम पे, इसे आप बाई कर सकते हैं। ये मेरी जो बाइंग थी वो 810 के अंडर थी, मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। अगर जो आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, @TechBeginner, ये मेरा टेलीग्राम चैनल नेम है। तो गाइज यहाँ था, यही था छोटा सा वीडियो। और जो आपने ट्रेड करें रिस्क हिसाब से करें, वहाँ पे मैं सारे स्टॉप लॉस सब कुछ शेयर करता हूँ कि कौन सा स्टॉप लॉस लगाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो इसे लाइक करना। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे अपना वो शेयर करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, कोई भी कॉल शेयर करते हैं, तो यहाँ पे बता दूँ वो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी उनमें जो कॉल्स होती हैं वो 1.3 रेशियो के हिसाब से नहीं होती। 1.3 रेशियो आप नहीं जानते, क्योंकि अगर जो उसको हम कहते हैं कि अगर जो आप किसी 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 में ट्रेड ओपन कर रहे हैं, तो अगर जो आपका स्टॉप लॉस 3 USDT नुकसान पे है तो आपका टारगेट कम से कम 9 USDT होना चाहिए, यानी 3 गुना होना चाहिए। अगर जो आप 3 US डॉलर लॉस करने के लॉस का रिस्क उठा रहे हैं तो आपका मिनिमम टारगेट 9 USDT। और जो मेरी सारी कॉल्स होती हैं वो इसी तरह होती हैं। और बहुत सारे लोग उसमें या सेकेंड या थर्ड ऐसे करते हैं और उनकी 50-60% अगर जो कॉल फेल भी हो जाती है तो आप ओवरऑल लॉस में ही जाते हैं। अगर जो मेरी गाइज अगर जो मेरी ऐसी कॉल होती है अगर जो 40% भी अगर जो लॉस 40% भी अगर जो मतलब सक्सेस होती है तब भी आप उसमें प्रॉफिट रहेंगे, क्योंकि मेरा जो रेशियो है वो गाइस 1.1.8 1.9 ऐसा रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। ठीक है, और मेरी जो अभी के अराउंड जो कॉल देखेंगे अगर जो टेलीग्राम यूज़र होंगे तो मेरी गाइस सारी कुछ सारी कॉल्स हिट ही जा रही है। तो गाइस अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।